दिन दहाड़े 14 वर्षीय लड़की का हुआ था अपहरण। गुजरात के अहमदाबाद से छुड़ाई गई लड़की। नालासोपारा आचोले पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले वेतीवाड़ी से बीते 21 अगस्त को 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का सरेआम अपहरण हो गया था। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस विषय पर मामला दर्ज करते हुए लड़की की खोज में जुट गई थी। वहीं आरोपी लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और कानून के हाथों से बचता रहा। हालांकि आरोपी अपहरित लड़की को लेकर कभी डोंगरी तथा अन्य स्थानों पर होने की सूचना पुलिस को मिलती रही, किंतु पुलिस की लगातार दबिश देने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। वहीं इस मामले में पुलिस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे, जिस पर पुलिस बेहद सतर्कता से आंतरिक जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। इस मामले में अचोले पुलिस की एक टीम ने तकनीकी जानकारी से पता किया कि आरोपी लड़की को लेकर गुजरात के अहमदाबाद में कहीं छिपा हुआ है। वहीं आचोले पुलिस के सहायक पुलिस निरीक्षक रघुनाथ नारोटे इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, क्योंकि वह नाबालिग लड़की जिस आरोपी के कब्जे में थी उस पर पहले से हत्या का मामला दर्ज था। वहीं सहायक पुलिस निरीक्षक नारोटे एक पुलिसकर्मी व एक महिला पुलिसकर्मी के साथ गुजरात के अहमदाबाद रवाना हुए और तकनीकी जानकारी के आधार पर वहां से आरोपी को हिरासत में ले अपहरित बच्ची को सकुशल छुड़ा कर ले आए। वहीं इस मामले की जानकारी नरोटे ने दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सब नेशनल, पालघर। नमस्ते, मैं असिस्टेंट इंस्पेक्टर नरोटे, अचोले पुलिस स्टेशन। 21 तारीख को हमको एक जानकारी मिली थी कि एक 14 साल की लड़की का किसी ने, एक आरोपी ने, राहुल प्रवीण गिलाटर नामक लड़के ने उसका अपहरण किया है। हमने तुरंत हमको इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने एक एफ आई रजिस्टर किया और उसकी के बाद में हमने उसका छानबीन या उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया था। इन्वेस्टिगेशन में हमने उसको उसके रिलेटिव्स के पास या वो जहाँ जहाँ पे वो लड़की को लेके जा सकता हुआ हर जगह पे उसको ढूंढा। बाद में टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ही हमने उसको अभी दो दिन में कल पकड़ा है। 3 तारीख को हमको ऐसा पता चला कि वो आरोपी जो है वो नाबालिग लड़की को लेके अहमदाबाद में गए। हमने तुरंत माननीय DCP साहब के परमिशन से हमारी टीम एक टीम अहमदाबाद में गई, उसको एक टेक्निकल मदद से उसको हमने रंगे हाथ पकड़ा और नाबालिग लड़की को यहाँ पे लाके उसके मम्मी के पास सुपुर्द किया है। अभी आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसको माननीय न्यायालय के सामने पेश करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे।